बूंदी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। जी हां, आज रामधीस गार्डन में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक विशाल सभा आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। वहीं पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, रघुनाथ सिंह भाटी और युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया और भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव प्रचार में जुटने का आह्वान किया। साथ ही सभा के बाद भाजपा का विशाल काफिला रामधीस गार्डन से नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ मंडी गेट पहुंचा, जहां पार्टी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने फीता काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं काफिले के दौरान कार्यकर्ताओं ने रमाकांत भार्गव का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, लेकिन भाजपा पूरी तरह एकजुट है और उपचुनाव में जीत के लिए पूरी ताकत से प्रचार करेगी। चंपालाल केवट की रिपोर्ट। माननीय शिवराज जी ने बुद्धि विधानसभा से मुझे के साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास किया है और मुझे उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस में सवाल चुनौती मान लिया, कांग्रेस का विषय कांग्रेस से पूछिए, हमारे लिए कोई नाराजगी फैलाने वाला विषय, नाराजगी कह कह के इसको इतना बढ़ा दिया। मैं यहाँ पे सबसे मिलने आया, मैं सबसे पूछे कई की नाराजगी बोलते भी ये तो आजू बाजू वाले लोग बात कर रहे थे, पता चला आजू बाजू वाले कौन है, तो कुछ असामाजिक तत्व कांग्रेस के बिठा दिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन लिया और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हमने कोई नाराजगी नहीं, हम सब परिवार के सदस्य हैं, हम सब में सहमति बन चुकी है। आगे चुनाव में लेकर क्या जीत का लक्ष्य क्या मानते हैं? ऐतिहासिक जीत, क्योंकि हम बुधनी के कार्यकर्ता रिकॉर्ड बनाते आए हैं और रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, ऐतिहासिक जीत होनी जा रही है और हम लोग संगठन के लोग हैं, संगठन की बारीकियों से काम करते हैं, कोशिश करेंगे कि हर पोलिंग बूथ भारतीय जनता पार्टी में वो अच्छी बहुत। जो थोड़े बहुत असंतुष्ट नजर आ रहे हैं उनको, वही मैं कह रहा हूँ, असंतुष्टि तो ये कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन के असंतुष्टि चला रहे हैं। आज मैं सबके बीच में गया, मैंने चार मंडलों की बैठकें ले ली, कहीं में किसी भी रूप से कोई असंतुष्टि नहीं है। कांग्रेस के लोगों में असंतुष्टि है क्योंकि कई सालों से वो इस क्षेत्र में जीत नहीं पाए हैं और वो लोग असंतुष्ट ही रहेंगे, ये हम सुनिश्चित करेंगे।